हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन से हो, जब वो लोन लेते हैं, जब लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की सिचुएशन में डाल देते हैं। उनको अक्सर ये डर लगा होता है कि अगर वो पैसे नहीं दे पाएँ तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है, पर कभी वो ये नहीं सोचते अगर पैसा नहीं दे पाए तो बैंक आखिर कर ही क्या सकता है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके लाइफ में जो सबसे बड़ा परेशानी ये है कि बैंक एनबीएफसी कंपनी से वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी उनको आज के डेट में सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई भी ये नहीं बता रहा कि अगर आप पैसे नहीं भर पा रहे हो तो आपको हम इतना ऑप्शन दे रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो या आरबीआई खुद हो, कहीं ना कहीं कस्टमर को सपोर्ट करता है। पर आज के डेट में जिस तरह से कस्टमर के साथ बिहेव किया जा रहा है, जिस तरह से कस्टमर को डराया जा रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि अगर आप पैसे नहीं दे पाते हो तो कर्ज़ को माफ़ करने का क्या क्या प्रक्रिया होता है, आखिर कोई भी व्यक्ति जब लोन लेता है तो उस लोन के साथ क्या हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो शायद आपने कोई पर्सनल लोन लिया होगा, आपने एजुकेशन लोन लिया होगा, आपका छोटा मोटा कोई भी 20 लाख से नीचे का लोन होगा, उसके लिए शायद आपको डर न लगे। अगर आज के बाद अगर कोई रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी से बात करे तो आप उसको बोलो जाओ जो करना है कर लो। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल लोन की, एजुकेशन लोन की, ऐसे लोन की जो 20 लाख से कम है। जब भी हम लोग किस तरह का लोन लेते हैं तो इस लोन में जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो रिकवरी एजेंट की होती है। ज़्यादातर लोगों का जो यहाँ पे परेशानी है कि सर अगर हम रीपेमेंट नहीं कर पाए तो रिकवरी एजेंट बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे और वो हमें अक्सर डराते धमकाते हैं कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर परेशानी दो समझ में आई, पहला रिकवरी एजेंट और दूसरा लीगल एक्शन। तो सबसे पहले रिकवरी एजेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिकवरी एजेंट का काम क्या होता है? रिकवरी एजेंट का काम क्या होता है कि हर व्यक्ति के लिए एक रिकवरी एजेंट ऑथराइज होता है, जिसके पास आपके घर पे आने का विजिटिंग लेटर होता है, वो DRA सर्टिफाई होना चाहिए और वो लीगली उस कंपनी के लिए काम कर रहा है। अब ये तीनों चीज़ शायद किसी भी रिकवरी एजेंट के पास नहीं है और कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी रिकवरी एजेंट से ये पूछता नहीं है, तो आज के डेट में ये गुंडे बन के घूम रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति रिकवरी एजेंट ही आपके घर पे आता है तो सबसे पहले आप पूछिए आप कौन हो, किस बैंक से आए हो, तो सबसे पहले वो आपको बताएगा कि आपने इस बैंक से लोन लिया है। अगर आपने इस बैंक से लोन लिया है तो ठीक है, आपके पास इस बैंक का कार्ड होगा, शायद उसके पास कार्ड हो, क्योंकि एक बैंक से बहुत सारे लोग, जब किसी भी बैंक से आप लोन लेते हो तो ये पता करना सबसे आसान काम है कि इस बैंक से कितने लोगों का लोन है और कितने लोगों का लोन डिफॉल्ट है। मतलब इस बैंक से जितने भी लोगों ने लोन लिया है इसकी जानकारी लगभग हर कर्मचारी को होती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कर्मचारी मेरे घर पे आकर रिकवरी करेगा। ठीक है, आप इस बैंक से आ रहे हो तो चलिए आपको मेरे लोन रिकवरी करने के लिए तो ऑथराइज होगे ना, आपको मिला होगा, लेटर मिला होगा कि आप इनका लोन को रिकवर कीजिए, क्योंकि हर लोन के लिए एक रिकवरी एजेंट अलॉट होता है, उस पर उसका ID नंबर होता है। अब यहाँ से वो डरना शुरू करेगा, फिर आपसे पूछिएगा कि रिकवरी एजेंट जो होते हैं, जो हमारे घर पर आते हैं, उसके लिए DRA सर्टिफिकेशन होता है, इसमें 50 से लेके 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जाके कोई भी रिकवरी एजेंट ऑथराइज होता है कहीं भी रिकवरी करने के लिए। इतना बोलते ही ज़्यादातर रिकवरी एजेंट तो वापस चले जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी वो व्यक्ति आपसे बदतमीजी करता है तो आपके पूरे अधिकार है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर करें। अब दूसरा चीज क्या होता है कि लोग यहाँ पे लीगल एक्शन को लेकर डराते हैं कि हम आपके ऊपर सेक्शन 25A के तहत, 138 के तहत। तो सबसे पहले समझिए, अगर मामला 5 लाख से कम का हो तो शायद ही देखा गया है कि बैंक NBFC कंपनी कंप्लेन रजिस्टर करती है। अगर कंप्लेन रजिस्टर कर भी रही है तो आपके पास सबसे पहले समन आएगा, समन में जाइए और बेल करवा लीजिए, उसके बाद ये नॉर्मल प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद अगर कोई भी बैंक NBFC कंपनी अगर आप पे दबाव बना रहा है तो इस बात को समझिए कि जब एक बार आपने कोर्ट में मामला डाल दिया तो आपके पास ये अधिकार है कि बैंक को बोलने के लिए कि आपने कोर्ट में मामला डाला है,
जब वहां से जजमेंट आ जाएगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अब इस जजमेंट को आने में लगेंगे 5 से 6 साल, तो कोई भी बैंक NBFC कंपनी इतना इंतजार तो करेगा नहीं, तब आपसे वो समझौता करेगा। ये तो ये चीज हुए जो लोगों आपको डराते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे एक लोन को पूरी तरह से माफ करा दिया जाता है और आज के डेट में ये चीज होता है, और क्या गलती है जो अक्सर इंसान कर रहा है। देखिए, जब भी हम लोग लोन लेते हैं और हमारे लोन में परेशानी का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? आपका जानकारी थोड़ा सा कम होना। एक आम व्यक्ति लोन लेता है और उसे उतनी जानकारी भी नहीं होती, जिसके कारण बैंक NBFC कंपनी में टॉर्चर करते हैं। जब हम लोग लोन लेते हैं और हमारा लोन अकाउंट NPA टैग हो जाता है, तो उसके बाद जितने भी पैसे हम इसमें डाल रहे हैं, ज़्यादातर पैसे पेनल्टीज में काट लेता है ये। अब यहाँ पर लोगों को जानकारी नहीं होता, तो जो बैंक आपको नोटिस भेज रहा है, इसका आप लोग जवाब नहीं दे पाते। बैंक जितना नोटिस भेजे, आपको उतना नोटिस भेजना है, क्योंकि अगर बैंक कल को कोर्ट जा रहा है, आपके पास भी सबूत होने चाहिए कि सर, इन्होंने जितने बार बोला है, हमने उतने बार रिप्लाई किया है। और जब आपका लोन NPA लग गया है, तो उसमें पैसे मत जमा कीजिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि आप लोन को आगे चला पाओ, तो ये पैसे ना प्रिंसिपल से कट रहे हैं, ना आपके इंटरेस्ट से कट रहे हैं, ये सारे पैसे पेनल्टीज में कट रहे हैं। आप इसको नहीं भी पे कीजिएगा, तो यहाँ पे 6 महीने के बाद में सेटलमेंट के लिए ऑफर आने लगता है, और 9 महीने के बाद यहाँ पे राइट ऑफ लग जाता है। और राइट ऑफ को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बैंकिंग भाषा में क्या बोलते हैं। अब ये चीज़ हुआ, जब कोई भी लोन NPA होता है, तो वो क्या हो जाता है, 9 महीने में राइट ऑफ लग जाता है और 6 महीने में समझौते के लिए चला जाता है। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनके पास पैसा ही नहीं है, 1 रुपया भी नहीं, उनका राइट ऑफ होगा। जो कुछ व्यक्ति है जो चाहते हैं कि नहीं लोन का रीपेमेंट कर दे, पर इतना नहीं दे सकते, उनको 6 महीने में सेटलमेंट ऑफर आ जाता है। अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, और इस बात को 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, लोन टेन्योर खत्म हो गया है, 3 साल हो गया है, बैंक आज भी उन्हें परेशान कर रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आप पे लीगल कार्रवाई करेंगे, हम आप पे ये करेंगे। तो सबसे पहले समझिए, 3 साल हो जाने के बाद अगर कोई भी बैंक NBFC कंपनी कोर्ट में जाके कंप्लेन भी फाइल करता है, तो इस कंप्लेन को वैलिड नहीं माना जाता। लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक अगर लोन का टेन्योर खत्म हो चुका है, उसके 3 साल के बाद अगर कोई भी बैंक NBFC कंपनी आपसे पैसे मांगते हैं, अगर इस मामले को अगर वो कोर्ट लेके जाते हैं, तो कोर्ट ऐसे मामले को खारिज कर देता है। मतलब यहाँ पर सारे पक्ष, अगर आप पूरे पक्ष को देखो, तो यहाँ पे हर एक पक्ष कस्टमर के हित के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे कस्टमर जब पैसे नहीं दे पा रहा है, तो वो परेशान हो रहा है। इसी तरह की अनेकों कानून के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। मैं बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताऊंगा कि आखिरकार गलती हो कहाँ रही है। कोई पर्सनली बात करना चाहता है तो स्क्रीन पे नंबर है, आप अपॉइंटमेंट के थ्रू मुझसे बात कर पाओगे। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।